सुनील, सबसे पहले वेलकम टू द शो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। सुनील, आपने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बलवान से की। जानना चाहेंगे किस तरह से बॉलीवुड में आपने ये शुरुआत की जबकि आपका कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं था, आप फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं थे, आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से आया, इसलिए मुझे मेरी पहली फिल्में मिली। प्रहलाद मिलानी जी ने मुझे ब्रेक दिया, जे पी सिंह जी की वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ क्योंकि उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए थे मेरे। Then, साजिद नाजियाद वाला साइन मी फॉर वक्त हमारा, और लेकिन पहली रिलीज मेरी बलवान हुई राजू मवानी की, तो मिक्स्ड गॉडफादर्स थे मेरे, बहुत ही सपोर्ट रहा इनिशियली। और मार्शल आर्ट्स के वजह से मैं एस्टैब्लिश हुआ एक एक्शन हीरो के तौर पे, और मुझे बार बार मौका मिलता गया और एक्टिंग में अपनी जर्नी में सीखता गया। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि क्योंकि एक्टिंग की प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं है तो इससे बहुत नुकसान हुआ है आपको? डेफिनेटली, लेकिन मेरा एक्शन इतना अच्छा था कि मुझे नकार नहीं सकता था कोई, और उस वजह से मुझे काफी मौके मिले। मेरी इनिशियल सारी फिल्में हिट ही रहती थी क्योंकि ऑडियंस एक्शन चाहते थे, और अलग अलग फिल्में की मैंने, रोमांस में धड़कन, देश के लिए अगर हो तो बॉर्डर, कॉमेडी में हेरा फेरी, एक्शन में मौरा अंत, बहुत सारी फिल्में। सुनील, आपने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत एक्शन फिल्म्स से की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपने चेंज किया, आपने रोमांटिक फिल्म्स भी की, उसके बाद आपने कॉमेडी भी की, हर तरह का काम किया। जानना चाहेंगे आपसे कि इस चेंज को आपने कितना एंजॉय किया और किस तरह की फिल्मों को करने में आपको ज्यादा मजा आया और क्यों? हमेशा एक्शन में ही मुझे वो पोजीशन दी, वो एक इमेज दिया, तो आज भी एक्शन हीरो के तौर पे ही जानते हैं मुझे। कॉमेडी डेफिनेटली मैंने की, मजा तो आता है कॉमेडी में, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है। मेरा मानना है कि लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है, तो जब तक स्क्रिप्ट सही नहीं मिले मैं कॉमेडी की कोशिश भी नहीं करता, अटेम्प्ट भी नहीं करता। जब मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट सही है और सिचुएशनली इस स्क्रीन प्ले को आगे लेकर जा सकते, लोगों को हंसाते, साथ रुलाते, तब मैं कॉमेडी में कंफर्टेबल होता। आपने अपने बॉलीवुड करियर के शुरुआती दौर में जितनी फिल्म्स साइन की उनमें आप इकलौते हीरो हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आपने ऐसी फिल्में भी एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं जिसमें तीन चार हीरो हैं या तीन चार एक्टर्स काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉम्पिटिशन भी उतना है और डिमांड भी वही है। पहले सिर्फ एक रेडियो चैनल हुआ करता था, आज 400 रेडियो चैनल है। पहले किराना की दुकान से हम सामान लेते थे, अभी सुपरमार्केट से लेते हैं, तो समय के साथ सब कुछ बदलता है और कैनवस भी बड़ी हो गई, तो रिकवरी के लिए भी मल्टी स्टार का फिल्म हो तो बेटर ही होता, और लेकिन ये नहीं कि स्क्रिप्ट अगर सही नहीं आवे तो मैं नहीं करूँ। मैंने कोई लॉन्चर की, लेकिन सोलो सिंगल हीरो उससे आज 22 और 24 साल के बाद मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो मायने रखता है एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छा रोल। सुनील, आपने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी प्ले किए और नेगेटिव भी, आप हीरो भी बने, आप विलन भी बने। हम जानना चाहेंगे कि आपको कौन से कैरेक्टर्स ने, कौन से रोल्स ने ज्यादा एक्साइट किया, पॉजिटिव या नेगेटिव? लेकिन मैंने अगर नेगेटिव किया तो शायद एक आध ही किया होगा, दो किया होगा, जिसमें मुझे अवार्ड्स मिले वो धड़कन है और मैं हूं ना। लेकिन मैं मानता हूँ वो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। विलन के लिए बिना किसी कारण के एक एक मकसद पे चलना वो मैं मानता नहीं। अगर विलन के पीछे भी एक स्टोरी और एक इमोशन हो और स्टाइल हो, अग्रेशन, सही अग्रेशन हो, तो मैं डेफिनेटली करता। सो बट आई ऑलवेज एंजॉय प्लेइंग लीड मोर देन नेगेटिव। नेगेटिव में मजा जरूर है, लेकिन अब नेगेटिव में कुछ होना चाहिए टू एक्साइट यू। आपने हीरो के मुकाबले विलन वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो कम प्ले किए, लेकिन जितने भी प्ले किए उन पर आपको रिकॉग्नाइज किया गया, आपको अवार्ड दिया गया, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि उनमें भी बहुत पोटेंशियल है? नहीं नहीं, वैसे अगर कॉन्सेंट्रेट किए तो ये बहुत ही जल्द हम स्टैम्प हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे बहुत सारे नेगेटिव ऑफर्स आए लेकिन मैंने कभी किया नहीं। बड़े बड़े फिल्में आए लेकिन कभी नहीं किया, क्योंकि कुत्ते की तरह हीरो से भी मार खाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी इमेज ऐसी है कि बहुत कम हीरोज है जो मार भी पाएंगे, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी के भी हाथ से मार खाए, क्योंकि फाइनली इट्स योर ऑडियंस, एंड यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम।